आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। नहीं, हिंसा तो नहीं, बहुत छोटी सी वारदात है, लेकिन जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी सूरत में उचित नहीं है और संयम के साथ काम लेना चाहिए, लोगों को संयम रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले व्यक्ति को किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने होम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, मैंने DGP साहब को भी लेटर लिखा है कि उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके, चूंकि उसकी जो बेल हुई हुई है उसकी बेल के अंदर ये कंडीशन है कि वो इस तरह के बयान नहीं देगा, सबसे पहले उसकी बेल खारिज करा करके उसे अंदर किया जाए और तमाम उसके ऊपर जो सुसंगत धाराओं में हो सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है कि पूरे विश्व के अंदर इसका मैसेज हमारे देश का खराब जाएगा। और मैं तो धन्यवाद दूंगा, बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बयान आए हैं कि उन लोगों ने इसको गलत कहने का काम किया, मैं तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश के अंदर स्वार्थ बनाने के लिए उन्होंने पहल करने का काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक उसके लिए नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर किसी के कीचड़ उछालने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों ने उसके लिए काम, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, इसके पीछे क्या लगता है कि कुछ देखिए, इसके पीछे पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, नफरत फैलाना चाहते हैं, बुरी तरीके से ये हार रहे हैं या हार से बौखलाहट हुए और हार की बौखलाहट को ये इस तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि लोगों को ये समझे कि ऐसे लोग जब सत्ता से जाएंगे तभी देश के अंदर माहौल शांत होने का काम होगा, जिस तरह का माहौल बन रहा है। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? अभी जा रहा हूँ मैं, चुनाव हम लोग कर रहे हैं, जा रहा हूँ मीरापुर में, आज प्रोग्राम। ठीक है।